guys, a warm welcome to you all on my channel, God Story by Sukhmani. How are you all doing? I hope you are doing good, you're well, and everything is just so perfect in your life. जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कैसा चल रहा है सब कुछ. ऑल्सो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पर्सन इस वक्त करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है, उनकी वाइब्रेशंस क्या है आपके लिए, राइट? एंड क्या चल रहा है, क्या एहसास है उनके मन में आपके लिए. सो इसके ऊपर आज हम रीडिंग करने वाले हैं. जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए, रीडिंग से जुड़ जाइए. रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए. सो देख लेंगे क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए. थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू. क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर. वन लास्ट टाइम प्लीज, थैंक यू. प्रसाद, फेथ, कंफ्यूजन, पैशन, मिस्टिसिज्म एंड रिन्यूअल. बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास ग्रैटिट्यूड. ओके, सो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके बगैर लाइफ में कुछ सुकून नहीं है, आपके बगैर लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है. और जब भी आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि अगर आप साथ में हैं और आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि अलग होना पड़ेगा तो बहुत दुख होता है. इनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बहुत रूखी हो जाएगी, सूखी हो जाएगी, कुछ अच्छा नहीं रहेगा. हो सकता है इनके फैमिली वोन्स हो, इनके कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि चाइल्डहुड वूंड्स हो सकते हैं इस पर्सन के, एंड इनके फैमिली की वजह से आप दोनों की बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट? कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं. करंटली ये पर्सन उन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं. कभी कभी ये पर्सन सोचते हैं कि मैं सब कुछ छोड़कर जैसे कहीं भाग जाऊं, कहीं दूर चले जाऊं, क्योंकि मुझे जो सुकून मिलता है, जो प्यार मिलता है, वो इसी के साथ मिलता है, एज एन आप ही के साथ मिलता है. तो ये सब कुछ मैं छोड़ दूं, जैसे सब छोड़कर कहीं दूर चले जाऊं, राइट? इस तरीके की फीलिंग्स हैं इस पर्सन की. इनको विश्वास है कि सब कुछ अच्छा होगा. बहुत प्रे कर रहे हैं ये करंटली. मुझे लगता है कि हो सकता है टेम्पल जाना या फिर भगवान के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट करना, उनसे मांगना, कि इनको विश्वास है कि सब कुछ अच्छा होगा. हो सकता है ये फेथ आपका बहुत है, आप बहुत मानते हैं भगवान में, और इसीलिए ही ये भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हुए हैं. और इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप की जो दुआ है वो ज़रूर पूरी होगी, जो कि इनके साथ रहने की है, राइट? और इसी वजह से ये भी ज़्यादा भगवान से कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि आप कनेक्टेड हैं. एंड ऑल्सो इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ से इनको रास्ता देखने को मिल सकता है. इनकी जो कहीं ना कहीं इनकी इंट्यूशन है, इनको बार बार ये बोलती है कि आप के साथ सब अच्छा हो जाएगा. इनको विश्वास है, इनको होप है, अभी तक इन्होंने वो होप को नहीं खोया है. कन्फ्यूजन्स हैं इनकी लाइफ के अंदर. इनको लगता है कभी कभी, जैसे होता है ना, इनका विश्वास डगमगा जाता है जब फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम्स होती हैं. बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्यार इतना है, पैशन इतना है और फेथ इतना है कि कंफ्यूजन भी कहीं ना कहीं गायब हो जाती है. सो इनको अभी ये जरूर लग रहा हो सकता है कि आप कहीं और इन्वॉल्व तो नहीं है, या आप इनका साथ देंगे फ्यूचर में या नहीं, या वो थोड़े डाउट्स हो सकते हैं. बट प्यार के ऊपर पूरा विश्वास है कि ये रिश्ता रहेगा हमेशा और ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये प्यार इस तरीके से है कि हो सकता है आपने पहले भी बहुत बारी कोशिश करी है इधर उधर, जैसे इस रिश्ते को ख़त्म करने की एंड मूव ऑन हो जाने की. इन्होंने भी बहुत कोशिश करी है, आप अलग हो भी गए हैं तब भी ये रिश्ता जो है ख़त्म नहीं हो पाया. यहाँ पर पैशन का कार्ड भी है, जो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी बता रहा है कि आपकी तरफ ये पर्सन का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है. फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हर तरीके से ये अट्रैक्टेड हैं ये आपकी तरफ में, और अभी भी मुझे काफ़ी अट्रैक्टेड दिख रहे हैं. जो कनेक्शन और कंपैटिबिलिटी आपकी इनके साथ है वो इनकी किसी के साथ भी नहीं बन पा रही है, एंड दिस इज द रीज़न ये पर्सन आपके साथ में रहना चाहते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अवेकन हो रहे हैं इस टाइम पे. इनको इस तरीके की चीज़ें समझ में आ रही हैं, इस तरीके के साइंस मिल रहे हैं, इस तरीके से जैसे यूनिवर्स कॉन्स्पायर कर रहे हैं कि इसको समझ में आए कि आप ही इनके लिए सब कुछ हो. तो इनको हर जगह से यही साइंस मिल रहे हैं कि आप ही इनके सोलमेट हो, आप ही इनके लॉयल
मेट हो, लॉयल पर्सन इनकी लाइफ में हो जो कि इनको खुशी दे सकता है, वो सब दे सकता है जो कि ये चाहते हैं, राइट? सो इसी वजह से इनका फेथ भगवान के ऊपर भी बहुत बढ़ता जा रहा है और इनको ऐसा लग रहा है कि जो आप कहते हो आप सही बोलते हो. तो इनकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एनहांस होती हुई देख रही हूँ और अवेकन होते हुए देख रही हूँ पर्सन को मैं यहाँ पर. ऐसा भी देख रही हूँ जो भी लोग सेपरेशन में है उनके लिए बहुत गुड न्यूज़ है कि ये रिश्ता फिर से शुरू होता हुआ दिख रहा है. ये पर्सन अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपने फ्लॉज, अपनी गलतियाँ जो है जो इन्होंने करी हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे और जो आपका सेपरेशन है वो ट्रांसिएंट है, वो टेम्प्रेरी है. मुझे वो ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये सेपरेशन हमेशा चलने वाला है. अगर आप सेपरेशन में हैं तो डेफिनेटली रिन्यूअल भी आपके रिश्ते में होता हुआ दिख रहा है, फिर से आपका रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है और बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं चीज़ें और आपने बिल्कुल होप अगर छोड़ दी किसी चीज़ की तो यहाँ पर आपको नई होप भी मिलेगी और रीज़न मिलेगा खुशी का. यहाँ पे रिश्ता मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहा है एंड मुझे लगता है ये पर्सन आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं. ग्रैटिट्यूड यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ये पर्सन आपको थैंकफुल हैं बहुत ज़्यादा, ये आपको थैंक्स बोलना चाहते हैं, ग्रैटिट्यूड देना चाहते हैं कि आपने इनकी लाइफ में हमेशा इनका साथ दिया है जो कि शायद एक सच्चा दोस्त, फैमिली कोई इनके लिए नहीं कर पाया जो आपने इनके लिए किया है. तो यहाँ पे ग्रैटिट्यूड भी है और कम्प्लीशन भी है. सो डेफिनेटली आपका कम्प्लीशन होगा, इस रिश्ते का अभी अंत नहीं हुआ है एंड कम्प्लीशन अभी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि होगा. ओके, आपके लिए गाइडेंस क्या है, फिर हम और कार्ड्स भी पिक करेंगे. पहले हम गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए. थैंक यू. एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ सकता है. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ईगो इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं आप दोनों के बीच में, या कोई भी एडजस्ट करने को तैयार नहीं है. मे बी आप बोलते हो मुझे ऐसे ही करना है, वो बोलते हैं मुझे ऐसे ही करना है, या आप इतना एडजस्ट कर चुके हो कि अब आपको लगता है मुझे कुछ एडजस्टमेंट्स नहीं करनी है. तो सबका अपना एक रिश्ते के अंदर एक स्टेटस हो सकता है अभी करंटली, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है एडजस्टमेंट्स करे बगैर चीज़ें आगे नहीं मूव कर पाएंगी. तो यहाँ पे एडजस्टमेंट्स करनी ज़रूरी है, चाहे इनको चाहे आपको, तो आपको बेहतर पता है. अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन. सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो भी प्रॉब्लम चल रही है आपके रिश्ते के अंदर, जो भी इशूज चल रहे हैं वो ये पर्सन सॉल्व करना चाहते हैं आप, एंड उसका सोल्यूशन आपको बहुत जल्द मिलने वाला है. सो ज़रूर इस फीलिंग को क्लेम कीजिएगा गाइज. योर कमिटमेंट इज बींग टेस्टेड. हो सकता है जैसे भगवान आपकी कमिटमेंट टेस्ट कर रहे हैं या ये पर्सन आपकी कमिटमेंट टेस्ट कर रहे हैं कि कितनी स्ट्रांग है ये या कितना प्यार है इसको मुझसे, राइट? सो वो चीज़ यहाँ पर टेस्ट हो रही है आपकी. द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम. सो चीज़ें आगे मूव होंगी, आगे बढ़ती हुई मुझे दिख रही हैं, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है. जो भी आपकी स्टक सिचुएशन है, अगर आपको लगता है मूवमेंट नहीं हो रही है, इतना सब कुछ कर लिया इतने टाइम से कुछ नहीं हो रहा है, तो अब मूवमेंट का टाइम यहाँ पर आ गया है और ये पर्सन की तरफ से ही मूवमेंट होगी और यही रिश्ते को आगे लेकर जाएंगे. और क्या है आपके लिए देख लेते हैं. थैंक यू सो मच, थैंक यू. स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स, वाओ, यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स आ गया है. सो डेफिनेटली रिश्ते की मुझे लगता है कि जो एक आपको लगता था ना कि अब तो बस अब रूट ही इसकी इतनी कमज़ोर हो चुकी है, जिस रिश्ते का फाउंडेशन ही इतना वीक हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है, इसको छोड़ देना ही सही है. पर आपको होप मिलेगी, न्यू बिगिनिंग्स होंगी. यहाँ पे आपका रिश्ता पहले से बहुत बेहतर होते हुए दिख रहा है, मजबूत होते हुए दिख रहा है. गिविंग एंड रिसीविंग, एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पर्सन आपको जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिलेगा. आपके कर्मा, गुड कर्माज का रिवॉर्ड आपको मिलते हुए दिख रहा है. ओके, एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो प्यार आपने दिया है ना, अब आपको लेने का टाइम आ गया है. वो चीज़ यहाँ पर बैलेंस में मुझे आती हुई दिख रही है, अलाइनमेंट में मुझे आती हुई दिख रही है. होपलेस एंड हेल्पलेस, अभी मुझे लगता है कि सारी सिचुएशन ऐसी है कि आपको लगता है अरे ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता है, ये मैम क्या बोल रही हैं, कुछ भी अच्छा नहीं होगा. बट यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए होप है और हेल्पलेस फील नहीं करना है आपने. आपके लिए सिर्फ आपको चुनना है. देखिए यहाँ पर दो स्टेयर के सर, इसको चुनना है, इसको किस तरफ जाना है, वो चॉइस आपको अब फटाफट करनी है, राइट? वो चीज़ आपने यहाँ पर डिसाइड करनी है. बट यस, आपके लिए हेल्प आ रही है. थर्ड आई चक्रा, यहाँ पे किसी का चक्रा मुझे, थर्ड आई चक्रा मुझे जैसे बैलेंस होते हुए दिख रहा है. इंट्यूशन जैसे मैंने बताया था आपकी हाइटेंड होती हुई दिख रही है, आपकी, आपके पर्सन की, किसी की तो इंट्यूशन यहाँ पर उनको बहुत कुछ मैसेज देने वाली है, बताने वाली है. उसकी आवाज़ आपने ज़रूर सुननी है. सैडनेस एंड आइसोलेशन,
गाइस इस एलर्जी से बाहर आना है आपने अभी दोनों ही तरफ, आपकी तरफ और उनकी तरफ, दोनों की तरफ मुझे दिख रहा है कि आप बहुत सैड हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ होगा ही नहीं लाइफ के अंदर, बस यही दी एंड है, यही अंत है, अब कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ खराब हो चुका है एंड कोई होप नहीं है, राइट? सो प्लीज इस एनर्जी से आपने बाहर आना है। अब यहाँ पर हम देख लेंगे कि एंजल्स हमको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, एंजल्स हमको क्या बताना चाह रहे हैं इस रिश्ते के लिए। ट्रस्ट, विश्वास को खत्म नहीं करना है गाइज, विश्वास रखना है। आप अगर विश्वास रखेंगे तभी इस आइसोलेशन सैडनेस की एनर्जी से बाहर आ पाएंगे। हेल्पलेस जो फील कर रहे हैं कि कोई आपकी मदद ही नहीं कर रहा है, आप अकेले ही हैं, तभी इस एनर्जी से बाहर आ पाएंगे और आपको होप मिल पाएगी। तो विश्वास बनाए रखना है, अभी अंत नहीं है। ओके, नॉट द राइट टाइम, मे बी ये वक्त सही नहीं है, बट आपके लिए सब चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। आपका टाइम शायद वो सही नहीं था, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ ही सही नहीं है। रिकवरी अगेन, यहाँ पर रिन्यूअल के साथ रिकवरी आया है, बहुत पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन है ये एंड यहाँ पर हमको डबल कॉन्फर्मेशन मिली है कि इस पर्सन के साथ आपका रिकंसिलिएशन होगा। जो खो गया है वो वापस आएगा, जो भी लॉस है वो यहाँ पर रिकवर होता हुआ दिख रहा है। सो सैड नहीं होना है आपको, भगवान ने खुद ही यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स दे दिए हैं और आपको मैसेजेस दे दिए हैं कि वो आपके साथ हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा और काम करना है खुद के ऊपर या फिर इस रिश्ते के ऊपर, सब अच्छा होगा आपके लिए। ओके, अब हम देख लेंगे इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं जो वो आपको देना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, क्या एनर्जीज हैं इनकी, क्या ऑनेस्ट कन्फेशंस हैं। आई फील एज इफ यू आर ट्राइंग टू सप्रेस मी, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनको कभी कभी इनको समझते नहीं हैं और शायद अपनी बात को जैसे कहीं ना कहीं इनके ऊपर थोप देते हैं। आई एम सफरिंग इन साइलेंस एंड यू थिंक आई एम हैविंग फन, सो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे ये इतने परेशान हैं और आपके बगैर ये खुश नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि ये खुशी खुशी अपनी लाइफ को जी रहे हैं, बहुत मस्ती मजाक कर रहे हैं एंड बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। आई एम नॉट द सेम पर्सन एनी मोर, जैसा आपको लगता था कि इस पर्सन में इतने फ्लॉज हैं, ये मेरी बात नहीं सुनते या मानते नहीं हैं, जो भी आपको इनसे प्रॉब्लम्स थी, ये पर्सन अभी कन्फेस करना चाहते हैं कि अब ये वैसे नहीं रहे हैं, ये बहुत बदल गए हैं और ये अपने आप को बदलने के ऊपर फोकस भी कर रहे हैं। आई एम पजेसिव अबाउट यू, ये पर्सन आपके लिए बहुत पजेसिव है, बहुत ही ज़्यादा, जैसे इनको इनसिक्योरिटी रहती है कि आपको कोई और इनसे छीन के ना ले जाए, किसी और के आप ना हो जाए, इस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। तो काफ़ी ऑब्सेस्ड हो सकते हैं पर्सन आपसे एंड आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं, डेफिनेटली नहीं देख सकते हैं, इसीलिए ही ये पर्सन जैसे आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो गाइज, ये थी आज की प्यारी सी रीडिंग, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, अगर हुई है सो प्लीज़ अपना प्यार दीजिएगा, क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को एंड ऑल्सो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, मेरे दूसरे चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरोकॉट सीखना चाहते हैं, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, सो किसी से रेजोनेट करती हैं किसी से नहीं करती हैं। अगर आप अपनी पर्सनल शॉर्ट बुक कराना चाहें तो आप अप्रोच कर सकते हैं। टेक केयर गाइज, गुड लक।